गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर SST बुक, चैप्टर नंबर 13, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश रूल की शुरुआत, ब्रिटिश शासन की बिगिनिंग कैसे हुई, वो कैसे आए, कब आए, किस पर्पस से वो इंडिया में आए थे ब्रिटिश, और क्यों यहाँ रुक गए, क्या क्या उन्होंने किया, कितने साल तक हमें गुलाम बनाए रखा, कितने साल तक हम पर उन्होंने शासन किया, रूल किया। So here introduction of this chapter. So first coming of the European students, who was the first person to find out a sea route from Europe to India? कौन थे first person जिन्होंने sea route ढूंढा था Europe से India आने का? So Europeans का आना, first the Portuguese were the first European. Portuguese जो थे वो first European थे India में आने वाले। And who was a Portuguese sailor? Vasco da Gama, the Portuguese sailor, discovered a sea route. Vasco da Gama, जो थे Portuguese sailor थे, first person थे जो जिन्होंने sea route discovered किया India आने का in 1498. कब discovered किया ये उन्होंने sea route? कब वो पहली बार India आए? 1498 में. First time Vasco da Gama, Portuguese sailor, India आए. उन्होंने India में आने का सी रूट डिस्कवर किया, खोजा। पहले उन्हें नहीं पता था कि इंडिया में आने का रास्ता क्या है, बस वो नाम सुनते थे इंडिया का, लेकिन इंडिया में आने का उन्हें रास्ता नहीं पता था। लेटर द फ्रेंच एंड द डच केम एंड सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। और पुर्तगीज के बाद कौन आए? और भी बहुत सारे ट्रेडर्स, और भी बहुत सारे व्यापारी आए, उनमें फ्रेंच थे, डच थे यानी फ्रांसीसी थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे व्यापारी अलग अलग कंट्री से इंडिया में ट्रेड करने, व्यापार करने आए, और उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर, व्यापारी जो केंद्र थे व्यापार करने के, वो सब उन्होंने वहाँ पर इस्टेब्लिश किए, बनाए, सेटअप किए इंडिया में। यहाँ से वो चीज़ें सस्ते में ख़रीदते और वहाँ अपनी कंट्री में ले जाके उन्हें महंगे में बेचते, ऐसे करके वो यहाँ ट्रेड करना शुरू हो गए, व्यापार करना शुरू हो गए। आफ्टर देन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1600 अंडर द अथॉरिटी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और उसके बाद एक कंपनी आई जिसे नाम मिला ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में फाउंड हुई यानी आई इंडिया में, और किसकी अथॉरिटी में आई, किसकी परमिशन लेके आई, वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की, जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनकी अथॉरिटी में, उनकी परमिशन के साथ ये कंपनी आई इंग्लैंड से। ब्रिटिश की आने की शुरुआत यहीं से हुई। द ब्रिटिश केम इंडिया एंड एस्टेब्लिश एन एम्पायर। तो इंग्लैंड से जो लोग आए थे, जो कंपनी आई थी, दे नोन एज ब्रिटिश। और ब्रिटिश जो थे इस तरह से पहली बार इंडिया में आए और उन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित किया। वो करने व्यापारी आए थे, कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो यहीं सेटअप होना शुरू हो गए, यहीं रहना शुरू हो गए, और हम पर उन्होंने धीरे धीरे शासन करना शुरू कर दिया। अब कैसे, तो देखें, द बैटल ऑफ प्लासे वाज फाउट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड द EEIC इन 1757। उन्होंने यहाँ अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद यहाँ कई बैटल्स किए, कई युद्ध किए, उन्होंने वार किए, और जो बैटल हुआ था प्लासी का, जो बैटल है वो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1757 में हुआ, और ये भी कौन जीती? ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती। नाउ नेक्स्ट, बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट बिटवीन मीर कासिम एंड द नवाब ऑफ बंगाल एंड द EEIC। और दूसरा जो बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, जो बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, वो कब हुआ? 1764 में। और इसमें भी हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जीत हुई। इस तरह से वो धीरे 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 हक जताना शुरू किया, क्योंकि पहले बंगाल रूट था, कलकत्ता वाला जो रूट था, तो वो सी रूट उन्हें लेना था, पूरी तरह से उस पर हक जताना था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बंगाल पे
वार किया, बंगाल पर अटैक किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो दो वॉर हुए, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमॉन्ग द इंडियंस, लेकिन ऐसे जो ये वॉर होते रहे, अटैक होते रहे और इंडिया पर ब्रिटिश का रूल चलता रहा, उससे इंडियंस जो थे वो डिसकंटेंट हो गए, यानी असंतुष्ट हुए और क्रोधित हो गए उनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, एंड लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसका नतीजा क्या निकला, इसका इससे 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई। एंड ये जो रिवॉल्ट था 1857 का, ये वैसे फेल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इस 1857 के इतने बड़े रिवॉल्ट से, इतनी बड़ी क्रांति हुई थी, उससे ईईआईसी का रूल चला गया, शासन चला गया उनसे, जो उन्होंने हम पे रूल चलाना शुरू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर थी वो सारी चली गई इस रिवॉल्ट से। ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे हटना पड़ा और उस रिवोल्ट के कारण क्वीन विक्टोरिया टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, और उनसे जो भी सारा अधिकार था, उस टाइम की जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने सारा का सारा अधिकार अपने अंडर में ले लिया, सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर में ले लिया, और पूरा इंडियन एम्पायर जो था वो क्वीन विक्टोरिया के हाथों में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा अधिकार छीन लिया गया, क्यों, इस रिवोल्ट के कारण, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस वजह से, क्योंकि लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे, तो अब धीरे धीरे उनके हाथ से रूल पावर जाने लग गई थी, तो क्वीन विक्टोरिया जो टाइम जो इंग्लैंड की महारानी थी, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो इंग्लैंड से आए थे, तो इंग्लैंड की जो महारानी थी उन्होंने, क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथों में सारा एम्पायर, इंडियन एम्पायर ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज टॉपिक्स आर गिवन इन योर चैप्टर नंबर 13, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत। एंड यू हैव टू रीड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।